नमस्कार, इस समय आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के जिला सचिवालय से, जहां पर आप लोग देख सकते हैं श्री शनि शरणम सेवा धाम की अध्यक्ष अनुराधा भार्गव जी जो हैं वो हमारे साथ यहां पर मौजूद है और डीसी साहब से मिलने के लिए आज वो यहां पर पहुंची है, ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंची है। क्या कुछ पूरी बात है, क्यों आज वो यहां पर पहुंची है, हम उन्हीं से एक बार जानेंगे। मैम, क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे, क्या कुछ आज एक खास मुद्दा है कि आप डीसी साहब से मिलने वाली हैं, क्या कुछ जानकारी? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आप अपने बिजी शेड्यूल से जैसे कि टाइम निकाल के आए हैं। और मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से ही बताना चाहती हूँ कि श्री गुरु तेग बहादुर जी, जिनको हमारा हिंदू समाज जो है वो सिखों का गुरु मानता है, वो कहते हैं जी तो सिखों के गुरु हैं, लेकिन एक्चुअलिटी में जो है 1675 में गुरु तेग बहादुर जी ने हमारे हिंदू समाज के लिए शहीदी दी है। और वो शहीदी जो है हिंदू समाज को नहीं भूलना चाहिए, जैसे कि हमारा ब्राह्मण समाज है और जितनी भी बिरादरी है, हमारे ब्राह्मण समाज को देख लीजिए, अगर तिलक और जनेऊ अगर आज हमारा जिंदा है, अगर महिलाएं स्वतंत्र घूम रही है, अगर आज हम लोग खुली सांस ले रहे हैं इस हवा में, तो ये श्री गुरु तेग बहादुर जी को सारा क्रेडिट जाता है। अब 400 साल के आसपास होने को आए हैं, हमारे हिंदू समाज में आज तक अवेयरनेस नहीं है, ये भी नहीं पता कि श्री गुरु तेग बहादुर जी ने हमारे समाज के लिए क्या किया है। और एक्चुअलिटी में मैं आपको बताऊं मैम कि मुझे भी नहीं पता था, ये मेरे लिए भी बहुत शेमफुल बात है। मेरे को भी एक साल पहले जो है एक हिंद की चादर बुक जो है ना, मुझे एक अमरिंदर सिंह अरोड़ा जी हैं गुरु प्रबंधक जो अपनी कमेटी है उसके प्रधान है, युवा अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने मुझे जब वो बुक भेंट की, मैंने जब उसके अंदर पढ़ा कि एक्चुअल में जो समाज के लिए योगदान है ना वो गुरु तेग बहादुर जी का है, हमारा समाज जो आज हिंदू समाज जिंदा है वो उनके कारण है, तो मेरे अंदर ना एक अजीब सी रोंगटे खड़े हो गए सुन के कि भाई ये चीज जो है, मतलब हमारे समाज के लिए हम स्वतंत्र घूम रहे, गुरु तेग बहादुर जी सारा क्रेडिट जाता है, तो क्यों ना हमारे युवा पीढ़ियों के अंदर वो संस्कार आने चाहिए कि जिन्होंने अपने समाज के लिए इतना बड़ा बलिदान दे दिया तो हम लोग तो घर के लिए नहीं देते हैं। तो मैंने उसी दिन प्रण लिया कि अपने यूथ ब्रिगेड को लेके कि श्री गुरु तेग बहादुर जी का जीवन परिचय, उनका जो एक चित्र है, उनका स्वरूप हम अपने सभी सनातन धर्म के मंदिरों में लगाएंगे, जो कि शुरुआत मैं 17 दिसंबर को कर चुकी हूँ अपने ब्राह्मण धर्मशाला में। देखिए, परिवार से शुरू होता है सब कुछ, ब्राह्मण धर्मशाला में जो है मैंने पहला स्वरूप लगा के इस काम को, मुहिम को आगे बढ़ा दिया और फूलों से उनका स्वागत अपने परशुराम धर्मशाला में मैंने किया। उसके बाद क्या है, हम लोगों का जो एक, देखिए अब मैं आज हूँ, कल हूँ, दो चार दिन बाद नहीं हूँ, मेरा जो जीवन है वो पता नहीं कितने टाइम के लिए है। अब आप लोगों के थ्रू भी मैं ये मैसेज पहुँचाना चाहती हूँ, आरडी आपको जो हम ज्ञापन देने आए हैं उसका मेन मोटिव यह है कि हम लोग ये चाहते हैं कि पहली कक्षा से और 12वीं कक्षा तक जो अध्ययन है, पाठ्यक्रम, नॉट इन हरियाणा एंड पंजाब ओनली, हम लोग ये चाहते हैं हर एक स्टेट के अंदर जीवन परिचय गुरु तेग बहादुर जी का लगे, ताकि आने वाली पीढ़ियों को पता चल सके कि जिस महापुरुष ने हमारे लिए शहीदी दी है ना, उसके दिखाए हुए मार्ग पे चल के हमारा समाज बहुत अच्छा बन सकता है। और मैम आपको मैं बताना भी चाहती हूँ कि इस पहल जो ये शुरुआत है हम लोगों ने एक साल पहले की थी, उसका कुछ ना कुछ असर यूपी में देखने को मिला है, जैसे कि हमारी जितनी अपनी खबरें थी वो सारी वायरल हुई कि हम लोग ये चाह रहे हैं, उसकी अवेयरनेस देखते हुए कहीं ना कहीं योगीनाथ जी को इस चीज का थोड़ा असर हुआ है। उन्होंने अभी पिछले ही हफ्ते एक अपना एक रेजोल्यूशन पास किया है कि गुरु गोविंद सिंह जी और गुरु तेग बहादुर जी और इनके जितने भी साहिबजादे थे जिन्होंने शहीदी दी है, उनके लिए पहली से और 12वीं कक्षा तक जो है वो अध्ययन अपना पाठ्यक्रम में शामिल कर रहे हैं। तो बहुत खुशी की बात है कि ये शुरुआत जो है ना उत्तर प्रदेश से हो गया है। मैं तो योगीनाथ जी का पहले धन्यवाद करना चाहूंगी और आपके चैनल के माध्यम से मैं चाहूंगी कि पीढ़ी दर पीढ़ी और हमारे युवा पीढ़ी में एक एक घर में ये जो है मैसेज पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही, देखिए औरंगजेब एक ऐसा शासक था जिसने 1675 में सब हिंदुओं को मुस्लिम धर्म कन्वर्ट करने के लिए वो प्रताड़नाएं दी हैं, हमारे कश्मीरी पंडितों को उठा के उनके आंखों में मिर्चियां डालना, लेडीज को जो थे बलात्कार करते थे, और छोटे छोटे बच्चों को ना, मतलब दयनीय स्थिति है, मैं बता नहीं पा रही हूँ आप लोगों को, कि छोटे छोटे बच्चों को ऊपर उछाल के और भाले की नोक पे ना उठा लेते थे, उनको कहते जबरन या तो मुसलमान बनो नहीं तो हम अपना जो है आप लोगों को जो है मार देंगे, आपके बच्चों को कुएं में धकेल देते, ऐसी कंडीशन में क्या करेगा। लेकिन आप ये देखो, श्री गुरु तेग बहादुर जी एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने किया कि औरंगजेब को जाके बोलो, हो गया, अगर मुझे इस्लाम कबूल करा देता है तो सारे जितने हिंदू हैं वो मुसलमान कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन औरंगजेब जो था ना, उससे उनकी जो शांत स्वभाव था वो देखा नहीं गया, उसने सोचा कि उसने उनके भाइयों के साथ कितना बुरा किया, भाई सतीदास जी को आर ऐसे चीर दिया गया, फिर उनसे पूछा क्या इस्लाम कबूल है, लेकिन गुरु तेग बहादुर जी को कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने शांत स्वभाव से मुस्कुराते हुए कोई आंसर नहीं दिया, भाई गुरुद्वारा को उबलते पानी में डाल दिया गया। अब ये देखिए ना, हमारे बच्चे की छोटी सी उंगली कटती है हम कैसे भागते हैं हॉस्पिटल्स में, उनके तो भाइयों की शहीदी हुई है। उसके बाद जब औरंगजेब से सहन नहीं हुआ ना कि भाई ये तो बिल्कुल ही शांत स्वभाव है, उसके बाद उन्होंने उनका शीश काट दिया था। और मतलब ये शहीदी जो है ना, ये मेरे
रग रग में जो है ना वो बिल्कुल ऐसी बस चुकी है कि उसके लिए मेरे को अपनी जान भी गंवानी पड़े ना, मैं उसमें कोई पीछे नहीं हटूंगी। मेरा पूरा यूथ ब्रिगेड मेरे साथ है, पूरे भारतवर्ष का मुझे सहयोग मिल रहा है, मेरे ब्राह्मण समाज का, मेरे हिंदू समाज का मुझे पूरा सहयोग मिल रहा है। और मैं चाहूंगी कि मैं ये जब तक मेरे में सांस रहेगी एक एक घर तक ये मुहिम पहुंचा के रहूंगी। तो ये आपने देखा एडवोकेट अनुराधा भार्गव हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थी, और जैसा कि उन्होंने भी कहा कि हालांकि लोगों से भी यही अपील रहेगी कि इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा ताकि जो इनकी मुहिम है, जो इनका एक बात है, वो सरकार तक जरूर पहुंच सके। जैसा कि उन्होंने बताया कि डीसी साहब के नाम जो है आज डीसी साहब को प्रधानमंत्री के नाम आज जो है ये ज्ञापन सौंपने आए हैं, जिसमें कि पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक जो पाठ्यक्रम होता है उसमें श्री गुरु तेग बहादुर